बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर इंदौर में नगर निगम द्वारा मास्क को लेकर चालानी कार्रवाई की जा रही है। मास्क नहीं पहनने पर 400 रुपए एवं नाक के नीचे मास्क होने पर 200 रुपए का अर्थदंड वसूल कर चालानी कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार शाम को एक व्यक्ति जब रीगल स्क्वायर से गुजर रहा था तब अधिकारी विजय चाट की अगुवाई से खड़े निगम कर्मियों ने उक्त व्यक्ति जिसका नाम आशीष वाजपेयी बताया जा रहा है को नाक के नीचे मास्क होने पर 200 रुपए का चालान बनाने की बात कही। उक्त व्यक्ति ने निगम कर्मियों से कहा कि मुझे नगर निगम की सील साइन लगाकर रसीद दो। इस पर निगम कर्मियों एवं आशीष वाजपेयी में जमकर विवाद हुआ। जी हां, निगम कर्मी बिना सील साइन के ही रसीद थमा रहे थे। बाद में वाजपेयी ने चालान तो कटवाया किंतु निगम कर्मी को खरी खोटी भी सुनाई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे। आपको बता दें कि कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन द्वारा मास्क को लेकर लगातार की जा रही चालानी कार्रवाई से आम जनता में शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश पैदा हो रहा है। कई स्थानों पर तो यह भी देखने में आ रहा है कि लोगों के पास 200 रुपए की राशि भी देने के लिए नहीं है। ऐसे में निगम कर्मियों द्वारा लोगों के वाहन भी खड़े किए जा रहे हैं। निश्चित ही ऐसे समय में जबकि कोरोना की लड़ाई हम सबको मिलकर लड़ना है, इस तरह के अराजक माहौल से आगे स्थिति और भी बिगड़ती हुई दिखाई देगी। आप क्यों नहीं बोल रहे? आपको 200 चाहिए ना, ले लीजिए 200 रुपए। आप सील साइन दीजिए, 200 लिए। आपको 500 चाहिए या 500 लो। आपको और चाहिए चेकबुक देता हूँ, फाड़ के 5000 का देता हूँ। आप सील साइन दो मेरे को, आप मुझे सील साइन दो। अभी कौन सी पर्ची दे रहा है? आप बोल रहे मैं ससुराल अधिकारी हूँ। शांति, पहले शांति। मुँह पे मास्क लगा जो रहा, क्यों कहा गया रोक रहे ऐसे बिना दफ्तर? ओ भाई साहब आप शांत रहिए, आपसे बात नहीं हो रही, आप शांत रहिए भाई साहब। सुनो, ये सील लगी हुई है सर। कहाँ लगी सील? इस तरह सील नहीं होती सर। स्टाम्प नहीं जरूरी है? स्टाम्प होता है, स्टाम्प वेंडर होता है सर। नहीं, ये स्टाम्प ही है सर। ये स्टाम्प नहीं मानने, सर ये स्टाम्प मानने नहीं होता। कलेक्टर, कलेक्टर ने साइन करने का सील लगाता है, जिला दंडाधिकारी सील लगाता है, कलेक्टर भी। हम आपको तीन प्रति में हमारी ये चालान कट रहा है सर। आपको दे रहे हैं, आप केजरी में जमा होता है। आप तो ये बता दो, आप तो सर ये बता दो, कलेक्टर महोदय ने, कलेक्टर महोदय ने आपको ये बोला की आप सिर्फ ऐसे लेके दे दीजिए, साइन कर लीजिए, चालान काट लीजिए, साइन हम कर देंगे। आप इसमें अपने पोस्ट और नाम लिख के दीजिए, लिखिए आप इसमें पोस्ट, अपना ब्लॉक लिखिए, अपना ब्लॉक नहीं है। नहीं, बगैर ब्लॉक के नहीं लूंगा सर, बगैर ब्लॉक नहीं। आप अपना जॉन जॉन लिखिए, फिर जॉन से किस अधिकारी है सारा लिखिए, फोन नंबर लिखिए, हर चीज लिखिए इस पे। आप ठीक है, अब यहाँ क्या क्या चाहिए? मेरी साइन हो गई, साइन लिखिए आप। ठीक है, अपना आइडेंटिटी लिखिए, जॉन लिखिए, अधिकारी का नाम लिखिए, किस जॉन से आप इंदौर शहर के, उस जॉन का नाम लिखिए यहाँ पे। देखो सुनो, मेरा नाम लिख दिया, मेरा पद लिख दिया, मेरा और ये लिख दिया जॉन, और कुछ अधिकारी कौन है सर? आप पद कहाँ लिखा सर आपका? हमने हमारा आदमी, आप हिंदी में लिखिए ना, आप फला अधिकारी हैं, फला जॉन से हैं आप हिंदी में लिखिए। और 200 रुपये वाला, इसने मेरा हाथ मार के मार्क्स नीचे करा दिया, और ये अधिकारी नाम सील नहीं बता रहे, और नगर निगम को दादागिरी कर रहे हैं। ये बाउंसर खड़े कर रखे हैं लोगों ने। विवाद किया था, मारपीट की थी, क्या हुआ था? मारपीट था, उसने झंझोड़ा वो खराब। ये नगर निगम बाउंसर खड़े कर रखे हैं लोगों ने। क्या हुआ अभी? 200 रुपए मांग रहे, 200 रुपए दिए इनको, सील नहीं लगाने तैयार, साइन करने तैयार नहीं है ये लोग। आपका नाम बता दीजिए। आशीष वाजपेयी नाम है मेरा। किस तरह का क्या मामला था? किस कुछ नहीं है, क्या है, आधा अधूरा मास्क पहने हुए रहते हैं, उन पर जब रोकने की बात करते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं, तो वो कुछ भी अनगढ़ बहाने या कुछ भी करते रहते हैं। अभी क्या मामला हो गया था, किस तरह से? नहीं नहीं, वो चालान नहीं कटवा रहा था। क्या उसका किस तरह से मास्क क्या था उसका? मास्क अधूरा पहना हुआ था जी, हाफ नाक के नीचे था, वो भी गमछा बंधा हुआ था, वो नाक के नीचे। क्या रसीद को लेकर किसी प्रकार की कोई बात हो रही थी? सील सब पे नहीं लगे, वो सील स्टाम्प सील की बोल रहा था, स्टाम्प सील किसी में नहीं लगा के दे रहे हैं। जो चालान बुक बनी हुई है उसमें तीन प्रति में चालान कटता है, एक प्रति जिसका चालान काटा जा रहा है उसको देते हैं, एक प्रति ट्रेजरी में जमा होती है, और एक प्रति स्टॉक के रूप में रखते हैं। रीगल तिराहे पर करें, कौन सा जोन और कौन ये मतलब? जोन 11 में है, मैं विजय जाट सहायक संचालक कृषि हूँ। मेरे को जोन 11 में कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार ये चालानी कार्रवाई के लिए नियुक्त किया है यहाँ पे। मैं अपनी टीम के साथ में यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ,
और चालानी कार्रवाई की जा रही है। सर एक बात ये देखी जा रही है कि चालानी कार्रवाई से लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा है। आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, हमें भी उनका आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, बहुत बार उनकी गुस्साओं का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे लोग गाली देके भी भाग जाते हैं, सारी चीज़ है, लेकिन अब जो हमारा फर्ज है उसको निभा रहे हैं, कर रहे हैं। ये सब आप लोगों की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए ही है, ताकि ये संक्रमण जो फैल रहा है वो कम फैले, उसके लिए सबका प्रयास है। बिल्कुल सदव्यवहार ही हो रहा है, किसी ने कोई व्यवहार नहीं किया, वो गलत तरीके से बात कर रहा था, इसलिए जब वो गुस्से में बात करते हैं तो गुस्से में बात थोड़ी सी हो जाती कभी कभी, बाकी सभी से सद्भावनापूर्वक और अच्छे से सौहार्दपूर्वक बात करके ही। नाम वगैरह लिखा हुआ है, पता क्या नाम पता है? आशीष वाजपेयी करके कोई व्यक्ति था जो बता रहा था नाम, वो अपने पास रिकॉर्ड में उसका नाम और मोबाइल नंबर तो उन्होंने नोट करवा गए, वो लिखा हुआ है। क्या उन्होंने राशि भरी भी? चालान की राशि 200 रुपये उनसे वसूल की गई, बिल्कुल। उनने नाम लिखने का कहा, हमने नाम लिख के दिया, उसमें मोबाइल नंबर हमारा मांगा, हमारा मोबाइल नंबर दिया। वैसे देने का ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर ठीक है, उसको उनकी शांति के लिए हमने वो चीज़ भी कर दी थी। आपका नाम और पद बताइए। मैं विजय जाट, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर। मैं भी कलेक्टर के निर्देशानुसार जोन 11 में चालानी कार्रवाई में बना हुआ हूँ।